Hi dear student, welcome back. Today we are going to define you about case. Case is very essential topic. The second week we haven't reached, and here we have topic case. First, see the thought. What is case? Case, it has four names: nominative, objective, possessive, and vocative. But in modern grammar, you will see only three cases, which are named here: subjective, objective, and possessive. Right? And dative case no more used in grammar now. And the good news is that there are few remnants of old English. मतलब ऐसे कुछ uses हैं इनके जो आप देख सकते हैं कि पहले की English में और इनमें कुछ changes आए हैं. जैसे pronoun के रूप में हम जब use करते हैं तो इनका description आता है. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है subjective case. ठीक है, subjective case लिखा हुआ है. इसमें इसे अगर हिंदी बोलते कर्ता का कहते हैं प्रोनाउन यूज एज सब्जेक्ट. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के तौर पर उपयोग किया जाता है जब सेंटेंस बनाते हैं. और दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव कर्म, समझे, कर्म कारक. पहले कर्ता कारक, फिर कर्म कारक. तो कर्ता कारक मीन्स विच स्टार्ट अ सेंटेंस व्हेन यू से लाइक ही इज़ गोइंग देन ही. राइट, तो ही इज़ गोइंग विलेज, द विलेज, विलेज इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो सब्जेक्टिव ही एंड ऑब्जेक्टिव end of the sentence, like he is going to village, the village is object. And next one is possessive. Possessive क्यों होता है, इसका प्रयोग होता है जैसे he is him जो आगे define किया गया है, आप देख सकते हैं. personal pronoun के तौर पर हम यूज करते हैं, जैसे होते हैं सब्जेक्टिव, या इसी का नाम क्या है, nominative. आपने ऊपर nominative देखा था, तो आज उसको nominative नहीं कहते क्योंकि सब्जेक्टिव के तौर पर उसका यूज होता है. उसमें क्या सकते हैं, जैसे मैं, आई, यू, ही, सी, आप उसको नोट भी कर लीजिए ना, इट, इट होता है वो भाई. यानी इसमें इट हम किसी भी लिंक को कह सकते हैं, और स्पेशली अगर ह्यूमन बींग की बात आती है तो ही सी का प्रयोग होता है. एनिमल में ही सी नहीं कहते, वहाँ पे इट का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि कई एनिमल ऐसे होते हैं जो हम नहीं जानते कि वो फीमेल है या मेल है, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं. वी, दे और हु भी इसमें आता है. तो ये क्या है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं. जैसे हम कहते हैं हु इज दैट, तो हु पहले आ गया तो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है. जो हु आई नो, तो हु आई नो में पहले आता है. लेकिन जो ऑब्जेक्टिव वो लास्ट में आता है, जैसे मी, ही टॉक्ड मी, क्या बोलेंगे, ही टॉक्ड मी, यू टॉक्ड, आई टॉक्ड यू, तो यू क्या ऑब्जेक्टिव लास्ट में आ रहा है. आस्क हिम, आई आस्क हिम, और आई टॉक टू हर, और ऐसे आप और भी बना सकते हैं. जैसे आपको बनाना होगा कि आई हैव ब्रोकन इट, तो ये ऑब्जेक्टिव में है ना. अगर सब्जेक्टिव होता है इट का प्रयोग आगे से करते, बट यहाँ पे एंड है इसलिए आई ब्रोकन इट. और टॉक टू अस, मतलब हमें बात करो, टॉक टू अस, दे टॉक टू अस, आई आस्क देम, एंड वोम, जैसे ही सेट वोम, मतलब हु का ऑब्जेक्टिव वोम होता है. हमसे अगर क्वेश्चन बनाती है आगे आता है, लेकिन है वो क्वेश्चन वर्ड, मतलब जो ऑब्जेक्ट के रूप में है उसकी जगह आता है. जैसे हम कहते हैं वो हमारे सेइंग, तुम किसे कह रहे हो, तो किसे, यानी कि वो ऑब्जेक्ट के रूप में है जो हम कह रहे हैं, तो वो हमारे सेइंग, तो वो उनके क्वेश्चन वर्ड है. लेकिन ये वो ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव केस में आता है. क्यों, क्योंकि दैट इज यूज टू शो ऑब्जेक्ट. राइट, आगे आता है पजेसिव, जेनेटिव से कहते हैं. इसमें आप देख रहे होंगे कि माइन और माई लिखा है, योर्स और यू लिखा है. तो पहले आपको माई और यू को बताता हूँ. माई का बताइए, जैसे आई हैव माई बुक, ठीक है, आई हैव माई बुक में ये आ सकता है. और यहाँ पे मिस्टेक और किया, ये योर होना चाहिए था ना, यहाँ पे आर भी आना चाहिए था, तो मिस्टेक और किया, तो योर, जैसे आई हैव योर बुक, हिज, आई हैव हिज बुक, तो उसका, उसकी, है ना. बिकॉज ऑफ ये, जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे जैसे हमें किसी नाम कह दिया तो रवीज आएगा, रवीज, रवि का, वैसे उसका, हिज, मेरा, माई, हर, उसका, हैं, हर्स भी कह सकते हैं, इट्स इसका, और हमारा, डियर उनका, तो ये सब ये बताने के लिए होता है. आगे इसमें आता है कि जो ये तीन हैं इनके हम एग्जांपल कैसे दे सकते हैं. यहाँ पर दिया गया है कर्ता के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, तो आई, वी, यू, दे, ये सब लिखे हैं. इनके सेंटेंस बनाए देखो, जैसे क्या लिखा हुआ है, ही गोज़ टू मार्केट डेली फॉर हिज जॉब. तो उसमें इसको ही को गोला किया गया है, क्यों, क्योंकि इसको मतलब अलग से नस्टूट किया गया ताकि आप सुनवा जाए, है ना. तो ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस हो गया. और यहाँ पे इट क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया. यू, ये सब क्या है, सब्जेक्टिव केस है. ऑब्जेक्टिव में आप देखें एग्जांपल, तो इसमें जैसे मी, यू, हिम, हर लिखा गया था, तो देखो कैसा आ रहा है, जैसे ही वॉक्स विद मी आए, और दे प्ले विद अस आस आ गया, और डू यू नो मी हिम ये आ गया. इस तरह से आप बना सकते हैं. और पॉजिटिव का यूज आप देखिए, जैसे ही वॉक्स विद हिज ब्रदर, और दे प्ले विद, दे प्ले हेयर विद अवर क्लासमेट, और डू यू नो दियर फैमिली, उनकी,
तो आप ऐसे इनका यूज कर सकते हो, बहुत आसान है। तो आगे ये कुछ यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव है उसके दो रूप दिए गए थे, जो आप बताया ना पहले अपने आपको समझा दे कि इसमें जो है माइंड भी है और दोनों देखें सही माइंड माई और यस दो दिशा देंगे, दो देंगे समय, दो देंगे। तो इनका सही प्रयोग यहाँ पर दिया गया है, वो क्या है, उनमें से एक होता है जो एब्सोल्यूट पॉजिटिव है, जैसे माइंड योर एब्सोल्यूट मतलब जो एंड में आता है, एंड ऑफ द लाइन, पूर्ण सेंटेंस को पूर्ण करने में यूज होता है। जैसे हम कहेंगे सेंटेंस होंगे इट इज़ माइंड, द बैग इज माइंड, ठीक है। तो जब द बैग इज माइंड का आप यूज़ करते हैं तो आप इसका यूज़ करते हैं, एंड दिस होम इज योर्स है ना, और इट इज़ हिज, ऐसा हिज में आप रुक सकते हैं, इट इज़ हर्स, द बैग इज हर्स, दिस होम इज अवर्स, तब जब लाइन को फिनिश करें मतलब उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। और दूसरा आता है पॉजिटिव डिटरमाइनर, जैसे माई बैग, तो आप डिफेंड करते हैं सारे है ना, माई इज माई बैग, दैट्स योर हाउस, इट इज हिज ब्रदर, तो हिज दोनों सेम आता है, लेकिन हर का हर से ज़्यादा, तो इट इज़ हर होम लाइक ना, उनका यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं जिसमें कोशिश क्या की गई, सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझो आप, यहाँ पे आई भी आ रखा है, यू भी आ रखा है और माई भी आ रखा है, यानी कि सब्जेक्टिव भी है, पॉजिटिव भी, ऑब्जेक्टिव भी। तो ऐसे सेंटेंस बनाइए जैसे इसमें है कि मैं तुम्हें और अपने भाई को एक कठिन प्रश्न पूछा, मैंने तुम्हें और अपने भाई को एक कठिन प्रश्न पूछा, तो देखो आई आस्क्ड, आई आगे सब्जेक्ट, डिफिकल्ट क्वेश्चन टू यू एंड माई ब्रदर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया और पॉजिटिव भी आ गया। ऐसे दूसरे में देखो आप, ये देखो आई एंड यू रिस्पेक्ट अवर नेशन बिकॉज इट प्लीजर्स अस, जैसे देखो तीनों जो हो रखे हैं बल्कि रिपीट हो रखा है, ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, ये पॉजिटिव है और ये ऑब्जेक्टिव है, आप समझ रहे ना। इसी प्रकार से इसको आप सबको इनको ट्राई कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, ये वर्क होता है, ये बनाना होता है। तो जैसे यहाँ पे छह बनाए गए हैं, ऐसे आपने फिर दूसरे में देखो इन छह में अंतर क्या है, सिमिलरिटी क्या है, प्रत्येक में आई से बन रखे हैं, आगे प्रत्येक वी से बनाना है आपने, आगे प्रत्येक यू से, यानी कि स्टार्ट तो वी से हो, जैसे स्टार्ट तो आई से हो रखा पर बीच में सारा रखें यू योर हिज हिम हर सब आ रखे हैं, वैसे आपने यहाँ से सारे वी से बनाने हैं, लेकिन बीच में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। जैसे यहाँ तक दिया गया है बना करके कि वी हैव बिलीव इन अस आवर सेल्व्स भी कह सकते हैं, सो दैट वी आर गिविंग आवर एग्जाम वेल, ऐसे आप बाकी बनाओगे। ऐसे यू आर इरिटेटिंग मी है ना, यू आर इरिटेटिंग मी बट आई डिडंट सी योर कॉपी, तो ये देखो इसमें भी तीनों आ रखे हैं, तो ऐसा आपने बाकी बनाना है। ऐसे दे से स्टार्ट है ना, ऐसे प्रत्येक से आपने स्टार्ट करके बनाना है सारे, ये आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है, तो आप देख लीजिए वहाँ दिए गए हैं, आप खुद बना के दिखाएं और आप हमें भेज भी सकते हैं, हम आपको चेक करके बता दें कैसे ही क्या बताएं। तो राम से है तो राम से, राम में भी ये तीनों आ गए, राम आ गया सब्जेक्ट, माई हो गया पॉजिटिव, मी हो गया ऑब्जेक्टिव, ऐसा बाकी आप बना सकते हो, ठीक है। बाकी एसेसमेंट टेस्ट है, आप यहाँ से आगे इनको टेस्ट दे सकते हैं, जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर भी देख सकते हैं, आपका एसेसमेंट टेस्ट का भाग है, तो इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। सो फॉर टुडे ऑल द बेस्ट।